हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग BHU MSc बॉटनी 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम का ये पेपर है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर अपलोड होने वाले, इस चैनल पर अपलोड होने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें और इससे ये आपको ये बेनिफिट हो सके और एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपको आइडिया मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और फुल इसका 360 नंबर का ये पूरा पेपर है, क्वेश्चन पेपर। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक जो प्रत्येक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ओके। सो 0 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 120। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, अ लाइफ साइकिल इन विच द डोमिनेंट फेज इज अ स्पोरोफाइट इज नोन एज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिप्लॉयंटिक। लाइफ साइकिल जिसमें कि स्पोरोफाइट में ये डोमिनेंट फेज होता है, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, डिप्लॉयंटिक। नेक्स्ट, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्राउन एल्गा। फ्यूकोजैंथिन ये ब्राउन एल्गा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सिंजूस्पोर ये प्रेजेंट होता है कहाँ? तो ये वाउच एरिया में। स्लाइमी एंड स्लीपरी नेचर ऑफ नॉस्टॉक इज ड्यू टू कवरिंग अप, जो ये नॉस्टॉक की स्लाइमी और चिकनी और स्लीपरी जो नेचर होती है नॉस्टॉक के बॉडी के ऊपर की जो कवरिंग है, पार्ट होता है पोर्शन, उसका जो स्लीमी और ये स्लीपरी नेचर होता है ये किसके वजह से होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, म्यूसिलेज, ओके, म्यूसिलेज की प्रेजेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट, व्हेन द एंटायर बॉडी ऑफ ए फंकस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो जब एक फंगस का पूरा बॉडी यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2, होलोकार्पिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटीना, अ फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटीना इज कॉल्ड एज, ऑप्शन नंबर 1, पेरिथीसियम। फ्लास्क से शेप्ड, फ्लास्क के शेप का फ्रूटिंग बॉडी जो होता है एस्कोमाइकोटीना का, उसको क्या कहते हैं? पेरिथीसियम। द फ्लैजिला ऑन द जूस स्पोर्स ऑफ एल्ब्यूगो आर, जूस स्पोर, एल्ब्यूगो का जो जूस स्पोर होता है उसके फ्लैजिला वो कैसे होते हैं उनको, तो वो होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनइक्वल लैटरल, ओके। द फ्लैजिला ऑन द जूस स्पोर्स ऑफ एल्ब्यूगो आर अनइक्वल लैटरल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन मॉल्ड, इनमें से किसको हम कॉमनली ब्लू ग्रीन मॉल्ड कहते हैं? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, पेनिसिलियम, ओके। मीन्स पेनिसिलियम को हम कॉमनली ब्लू ग्रीन मॉल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेंडियर्स मॉस, इनमें से किसको हम रेंडियर मॉस कहते हैं? तो 9 का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लेडोनिया। क्लेडोनिया इज कॉमनली कॉल्ड रेंडियर्स मॉस। एस आर कश्यप इज ए साइंटिस्ट फेमस फॉर ऑप्शन नंबर 1, ब्रायोलॉजी, ओके। जो एस आर कश्यप हैं ये फेमस हैं ब्रायोलॉजी के लिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज एक्वाटिक, इनमें से रिक्सिया का कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो कि एक्वाटिक होता है, पानी में प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस इज अ एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। नेक्स्ट, द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्टीशंस विथ डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज, जो आपके मॉस का जो कैप्सूल होता है उसकी जो एयर कैविटी होती है वो पार्टीशंस होती है, डिवाइड होती है एक डेलिकेट स्ट्रैंड से, सेल्स के एक डेलिकेट स्ट्रैंड के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 12 का, ट्रिबेकुली। ट्रिबेकुली इज द स्ट्रैंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि ये पार्टीशन करती है द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉस। नेक्स्ट है, द गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज, द गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज ऑप्शन नंबर 2, प्रोटोनीमा, ठीक है। मॉस का जो गैमेटोफाइट होता है इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पिथ, इनमें से किसके पास पिथ नहीं होता है? फर्स्ट हो गया प्रोटोस्टील, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पिथ, तो प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील में पिथ नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल्स, इनमें से कौन सा फॉसिल्स है? तो ऑप्शन नंबर 2, राइनिया। राइनिया हैव द फॉसिल्स, सॉरी, राइनिया इनमें से ये क्या है? ये फॉसिल्स का फॉर्म है।
गैमेटेंजिया ऑफ फर्न आर प्रोड्यूस्ड ऑन. गैमेटेंजिया फर्न का जो गैमेटेंजिया होता है वो क्या प्रोड्यूस्ड करता है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोथैलस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न. इनमें से किसको हम वॉकिंग फर्न कहते हैं. तो 17 का होगा ऑप्शन नंबर 2 एडियंटम. एडियंटम जो होता है ये इसको हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं. द एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिटेशन आर कॉल्ड. तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एलोस्टेरिक एंजाइम. एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है फीडबैक ऑफ इनहिबिशन में. ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्राइमेरस फ्लावर्स सुपीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन. तो ये किस फ्लावर में प्रेजेंट होता है. किस ऑप्शन नंबर 2 लिलिएसी. ओके जो लिलिएसी फैमिली के फ्लावर में ट्राइमेरस फ्लावर सुपीरियर ओवली ओवरी और एक्साइल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट राइस फ्रूट इज एन एग्जांपल ऑफ. इनमें से जो राइस फ्रूट है वो इनमें से किसका एग्जांपल है. तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 कैरियोप्सिस. राइस फ्रूट कैरियोप्सिस का एग्जाम्पल है. पेंटोजाइलॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई बीरबल साहनी फ्रॉम. जो पेंटोजाइलॉन है ये डिस्कवर किया गया था बीरबल साहनी के थ्रू और फ्रॉम किससे. ऑप्शन नंबर 3 राजमहल हिल्स. ओके पेंटोजाइलॉन जो है ये राजमहल हिल्स से डिस्कवर किया गया था थ्रू किसके बीरबल साहनी के द्वारा. नेक्स्ट फ्लोरल बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन. जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं ये चेंज होते हैं मॉडिफाइड होते हैं टेंड्रिल्स में. इनमें से किस में किस स्पीसीज में. तो ये 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंटीगोनन. एंटीगोनन जो होते हैं फ्लोरल बर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं टेंड्रिल्स में. पेरिस्पर्म इन सीड्स डेवलप फ्रॉम. ऑप्शन नंबर 3 न्यू सेलस. सीड्स में जो पेरिस्पर्म होता है ये डेवलप होता है किससे न्यू सेलस से. नेक्स्ट मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इज फाउंड इन. ऑप्शन नंबर 3 ओइनोथेरा. मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट ये पाया जाता है किस में ओनियोथेरा में. नेक्स्ट डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन. 25 का क्वेश्चन स्टूडेंट डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल पाया जाता है किस में. तो ऑप्शन नंबर 1 है साइकस लीव में. डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन साइकस लीव. ये नेक्स्ट है स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन द फैमिली. ऑप्शन नंबर 3 सिप्रेसी. बिटैलिन्स आर प्रेजेंट इन द फैमिली. 27 का होगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैक्टेसी. द रीजिन डक्ट ऑफ ए जिम्नोस्पर्म स्टीम इज एन एग्जांपल ऑफ शाइजोजीनस कैविटी. द विंग ऑफ द सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फ्रॉम द ओवलीफेरस स्केल. एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स द ओवलीफेरस स्केल ऑफ ए पाइनस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन नंबर 1 मेगा स्पोरोफिल. ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है. द ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ ए मेगा स्पोरोफिल. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए. स्टूडेंट्स इसको लाइक करना ना भूलना और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग.